शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अमृत धारार प्रत्येक दर्शक दर्शिका आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी मानंकु मोर हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण सहित हार्दिक अभिनंदन जनाउछि। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान जो हेडक्वार्टर रही सेठारे स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोगर शिक्षा देउछंती ताहा लक्ष लक्ष नर नारी निज जीवन रे धारण करी पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म रे व्रती होई चली छंती। तेणु यह प्रत्यक्ष प्रमाण देउछि जे ईश्वरीय विश्वविद्यालय जोठार कि स्वयं परमपिता परमात्मा धरापृष्ठ रे अवतरण करी एभली एक महान कार्य करुछंती। सेही महान कार्य रे व्रती होइथिबा प्रत्येक भाई और भौणी माने सदर्पर कही चलती जे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही परमपिता परमात्मा दिव्य अवतरण एवं से दिव्य अवतरण फल आज पापपंकी कलिजुगर अवसान पर एक नूतन दुनिया सत्ययुग दुनिया स्थापना होगा जाऊँगी। तेणु आसतु जानवा प्रकृत कौन परमात्मा यही धरापृष्ठ से अवतरण कर सारी आपण माने शुणिले आश्चर्य हेबे बहु शास्त्र पुराण वेद उपनिषदर सर्वशेष मंतव्य जेतेबेले धर्मग्लानी हुए सेतेबेले परमात्मा सत्य धर्मर संस्थापना उद्देश्य रे ए धरावक्ष रे निजे अवतरण करंती जहा कि गीता वर्णित जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात स्वयं परमपिता परमात्मा बा ईश्वर गीतारे प्रतिज्ञा करिथिले जे भारत भूमि रे जेतेबेले धर्मर ग्लानी हेबो सेतेबेले मु दिव्य अवतरण करिवि एवं पुनः धर्मर संस्थापन करिवि। तेणु आपण माने जानंतु धर्मर ग्लानी अर्थ कौन। आज धर्मर संज्ञा बहुधा व्याप्त हेले मध्ये धर्म अर्थात धारणा एहा सुनिश्चित प्रत्येकंकर गोटे धर्म रहिछि। जेभली जलर धर्म निम्नगामी हेबा वायुर धर्म प्रवाहित हेबा बरफर धर्म शीतलता प्रदान करिबा सूर्यर धर्म उत्ताप प्रदान करिबा सेही भली परमपिता परमात्मा जो शिक्षा देउछंती तांकर जो शिक्षा एवं तांकर जो अवतरणर एक सिंबल मध्ये रहिछि। तेणु परमपिता परमात्मा ए धरापृष्ठ रे अवतरण होइछंती एहा आपण मानको आश्चर्य लागिले मध्ये निराट सत्य अटे। कारण भगवान को आमे कहू भगवान ही जन्म मृत्यु उपरे एवं से मलालोक को जिंदा कर दी पारंती बा मूर्छित को सुर्जित करने वाला। कारण से जेहेतु भगवान बा ईश्वर बा गॉड बा सर्वशक्तिवान तेणु से चाहिले कौन न करी पारंती। तेणु समस्त आत्मा मानंकर ध्यान थाए बा ख्याल थाए बा समस्तंकर या चिंताधारा जे भगवान जेते धरापृष्ठ को आसीबे से मलालोक को मध्य चाहिले जीवंता कर दी पारिबे। तबे भगवान बा ईश्वरंकर अवतरण संबंध रे मु एतिक कहिबी जे भगवानंकर अवतरण एई भली स्थूल भाव रे केबे हुए नाही से निश्चित भाव में सूक्ष्म वेश धरापृष्ठ को अवतरण करती। जेभली दूर से वर्षा हेले नदीर पानी देखि आम जानू जे वर्षा निश्चित भाव में ऊपर मुंडे थंडा पवन आसिले आम जानू जे निश्चित भाव कौटी वर्षा होगर पर
तो सही भली भाव रे अनुमान मध्य तीनटा प्रत्यक्ष अनुमान एवं आप्तुपदेश ये होची तीनोटी प्रमाण प्रत्येक जिनिष आखिरे देखी आमे विश्वास करिबा या संभव नुहे किछि जिनिष आमे अनुमान गम्य भावरे मध्य जानी पारू आउ किछि आप्तुपदेश बा शास्त्र पुराण माध्यमरू मध्य आमे शिक्षा करिथाउ तेणु एही भली प्रमाणरू आमे आज उपनीत हवा जे प्रकृति रे परमात्मा ए धरापृष्ठ को आसिछंती कि नाही एवं ईश्वरीय विश्वविद्यालय ए छोट छोट शिक्षार्थी गण बा ब्रह्मा कुमारी भाई भणी माने जो दृढ़ कंठ रे कहि चालिछंती आज को 72 वर्ष हला स्वयं परम पिता परमात्मा ए धरापृष्ठ रे अवतरण करि सारिछंती कि नाही आपण माने या सुनिले जानी परिबे जे प्रकृति रे परमात्मा ए धरापृष्ठ को आसी सारिछंती आज जानंतु गीतार पंक्ति रे लेखा अछि जे भगवान जेतले धरापृष्ठ को आसिले सेतबेले अर्जुन को कहिले अर्जुन तू युद्ध रे जो अवसाद ग्रहण करुछु तू देख समस्ते ए युद्ध रे मरी पड़िछंती तू केवल तोर क्षत्रिय रे कर्तव्य करि चाल अर्थात तू युद्ध हिसाब रे तू गांडीव धनु धरी केवल युद्ध कर तबे से मृत्युर उद्देश्य कौन से मरिबार अर्थ कौन आपण माने जानिथिबे आज पर्यंत समस्त शास्त्र पुराण वेद उपनिषद सबुथिरे वर्णित होईछि आमे शरीर नहु आत्मा आमे क्षेत्र नहु क्षेत्रज्ञ आमे रथ नहु रथी आमे शरीर नहु आत्मा आमे गाड़ी नहु आमे ड्राइवर तो प्रकृतरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे स्वयं परम पिता परमात्मा प्रथम दिनर पाठ्यक्रम हिसाब रे से आम आत्मा मानंकु प्रथम पाठ ही शिक्षा देछंती तू किए बा व्हाट एम आई बा मु किए मु प्रकृत रे किए सकाळ टू संध्या पर्यंत दिवस रु राति पर्यंत आमे दुईटी कथा कहू मु एवं मोर तो निजको विचार करंतु निजको अनुध्यान करंतु अंतश्चक्षुरे आपण माने देखंतु मु किए आउ मोर कौन मु कहिया वाला किए आउ मोर मोर कहिया वाला काहाकु तेणु मु कहिया वाला प्रकृत ये शरीर ठारु संपूर्ण अलगा ए हाड़ मांस पुतला ठारु संपूर्ण अलगा एक चैतन्य शक्ति ताकु ही आत्मा बा शक्ति बा पवन बा ज्योति बोली कहा जाए जे कि मु पार्टी रूपी गोटे माइक द्वारा कथा होची कान रूपी गोटे हियरिंग एड द्वारा शुणुची आखि रूपी गोटे कैमरा द्वारा देखुची एवं हाथ गोड़ रूपी हैंडल द्वारा मु सब प्रकार कर्तव्य करुची तेरे प्रकृत रे करिया वाला किए पंखा बुलुची लाइट जलुची सबु किछि होउची किंतु ता भीतर रहिची किए ता भीतर विद्युत शक्तिर प्रवाह रहिची तेबे जाई पंखा बुलुची तेबे जाई लाइट जलुची तो सही भली भाव रे आम मध्य रे बा मु निजे कथा कहिया वाला किए एही शरीर थिबो एही पाटी थिबो एही मुख थिबो एही आखी थिबो एही कान थिबो एही हाथ थिबो एही गोड़ थिबो एही सबु किछि थिबो किंतु आरती नै आमे श्मशान रे सब सत्कार करुचु तो किए गला ता भितरु कहा को आमे भाई डाकुचु कहा को आमे माँ डाकुचु कहा को आमे बंधु डाकुचु प्रकृत रे आमे भाई बंधु कुटुंब बा भाई बंधु हिसाब रे जहाँ को संबोधन करुचु से शरीर नुहे आमे शरीर ठु संपूर्ण अलगा एक चेतन शक्ति आत्मा जहाँ को स्वयं परम पिता परमात्मा एक सूक्ष्म अर्थरे प्रदर्शन करिछंती बा अनुभूति करैछंती जे आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु सदृश तारका सदृश दुई भ्रुकुटी मध्ये अवस्थान करे जहाँ पई आमे भ्रुकुटी रे चंदन एवं सिंदूर टुपा लगे दहु तेणु जानतु आत्मज्ञान पाइबा परे ही आत्मा जानी पारे बा मनुष्य जानी पारे जे मु शरीर नुहे मु होची आत्मा आज पर्यंत आमे परस्पर को जो परिचय दे आसीछु आज आमे निजर देहर परिचय दे आसीछु मो नाम राम श्याम जदु मो घर अमुक जगह रे मोर एया कर्तव्य मो बापा को नाम एया मो धर्म एया एही प्रकार रो आमे परिचय दे आसीछु किंतु ता संपूर्ण भूल तेणु परम पिता परमात्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे प्रथम दिन रे ही ए शिक्षा देले जे तुम्हें शरीर नुहे तुम्हें संपूर्ण भाव रे एक सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा तुम घर परमधाम रु तुम्हें आसीछ ए सृष्टि रंगमंच रे
नाटक करने ए शरीर एक वस्त्र सदृश तुम्हें शरीर को पिंधिच एवं शरीर को जन्म बाय जन्म तुम्हें त्याग कर पुणी आ गोटे नूतन जन्म नौ तेणु निजर कर्म आधार रे ही तुम संस्कार तैयारी होउछि एवं संस्कार बल रे ही तुम्हें विभिन्न जोनि जन्म नहीं चलीछ तेणु प्रकृत आम पिता होंगे परम पिता परमात्मा ज्योतिबिंदु शिव एवं आम धर्म हूँ शांति प्रेम क्षमा दया आदि आत्मिक धर्म एवं आम घर हूँ परम धाम ए शरीर रूपी वस्त्र धारण करी आम सृष्टि रंगमंच एक नाटककार हिसाब से आम नाटक कर चलीचु तेणु यही आत्मज्ञान प्राप्ति हाँपर ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रत्येक शिक्षार्थी प्रत्येक विद्यार्थी मात्र सात दिन कोर्स करापर निजक अनुभव करती जे आम प्रकृति आत्मा तेणु आत्मज्ञान एक रियलाइजेशन कोर्स अनुभूतिमूलक जो शिक्षा ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमपिता परमात्मा शिक्षा दौंट ता आधार में प्रत्येक आत्मा सगर्वे कहते जे आम शरीर नौ आम प्रकृति आत्मा आम आत्मा को अनुभव कर तेणु कहुए आत्म अनुभूति ही ईश्वर अनुभूतिर प्रथम सोपान तेणु जिते पर्यंत आम निजक आत्मा बोली निश्चय करते दिन पर्यंत आम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर प्रश्न ही उठूना कहीं आम जाणिना जे मु प्रकृति किए शुणा बाला किए कहिया बाला किए देखिया बाला किए तेणु प्रकृति आम देखिया बाला कहिया बाला एवं शुणा बाला प्रकृति शरीर ठार अलग एक ज्योतिबिंदु आत्मा गोटे सूक्ष्म तारा सदृश तेणु से तारका ही मुझे किंतु आज पर्यंत मुझर परिचय दौली ये पांच फुटर शरीर यही छ फुटर तीन फुटर उषार मनीष घर व्यक्ति वही पोजिशन र्यक्ति यह ही आम परिचय था किंतु आज स्वयं परमपिता परमात्मा से सबू को भूल आम को चेतनमुखी कहले जे प्रकृति तु जे आत्मा तु चेतन शक्ति तु अमर एवं अविनाशी आत्मा कहीं शरीर विनाश अच्छी नश्वर शरीर कहुए किंतु आत्मा हूँ अविनाशी बा शक्तिर कभी विनाश हुए ना तेणु आत्मा मध्य संपूर्ण एक अक्षय शक्ति एवं आत्मा मध्य संपूर्ण एक ज्योति स्वरूप एवं शक्ति अटे जहाँकि शक्तिर कभी विनाश हुए नी से संपूर्ण भाव में अशरीरी एवं अव्यक्त एवं अनादि तेणु आत्मा जे भली अनादि आत्मार पिता मध्य से भली अनादि तेणु ताद्वारा आम निजक आत्मनिष्ठ हवा फल मृत्युर भय आम पाखु दूरे गला जहाँ कहगला भगवान कहले भगवान जो धरापृष्ठ को आसती मूर्छित को सुरजित करती अर्थात मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिंती तार अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण आम निजक जो जड़ शरीर बोली भाई आज प्रकृति आम जड़ शरीर नौ आम एक चेतन शक्तिर आत्म अनुभूति आम कलु जहाँफल परम पिता परमात्मा आम को आत्मनिष्ठ करदे आम प्रकृति शरीर नौ जड़ नौ मृत नौ आम चेतन एवं जीवित एवं एक सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा जहाँकि जन्म बाय जन्म प्रति जन्म रे शरीर छाड़ी आ गोटे नूतन जन्म नब जहाँकि जावत जन्मं तावत मरणं तावत जननी जठरे शयनम अर्थात जन्म हालापर शरीर छाड़ा पड़ो शरीर छाड़ापर पुणी आउ थे माँ गर्भर प्रवेश करी आम आउ एक कलबर नहीं पुणी नुआ जन्म नवाक पड़ो किए निए मुझे निए तेणु यही ज्ञान जी दिए से ही परमात्मा अर्थात जी मृत्ता को जिंदा करे मला लोक को जी बचे दे पारे से ही हूँ परम पिता परमात्मा जहाँ ही गीतार वर्णना करते ही वर्तमान प्राक्टिकल क्षेत्र में परम पिता परमात्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय समस्त जिज्ञासु मानू शिक्षा दे अनुभूति कराई तेणु निश्चित भाव में आम दृढ़ कंठ से कहूँ जे ए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान संपूर्ण परमात्मिक ज्ञान एवं परमात्मा छड़ा ए ज्ञान आउ कौन व्यक्ति विशेष बा आत्मा दे पारिब ना द्वितीय कथा आसला परम पिता परमात्मा ए धरापृष्ठ से अवतरण करार प्रत्यक्ष प्रमाण हो परमात्मा जो धरापृष्ठ को आसवे से अभूल बनइबे मनीष मात्रे ही भूल अच्छी कहती मनीष मात्रे भूल अच्छी किंतु परमात्मा कौन सी भूल न था से असत्य को सत्य में परिणत करेंगे सत्यर उद्घाटन करेंगे तेणु आपण मैंने जाणी अति खुशी हे जे ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कतोटी सत्य उपर आधारित
प्रथम सत्य हला ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती बा ईश्वर बा भगवान बा परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नुहंती चारिआड़े नहांती मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वार गिरजा सब किछि परमात्मांकर पीठस्थली हेले मध्य परमात्मा सेठारे न थांती जे भलि भाबरे आमर पूर्व पुरुष उनकर स्मृति चिन्ह हिसाब रे आमे तांकर आज स्मृति चिन्ह बा समाधि करी रखी थाऊ किंतु सेठारे से आत्मा माने न थांती से आत्मा माने शरीर छाड़ी अन्य जगह रे जाई जन्म ग्रहण करी सारी थांती सेही भलि भाबरे आज परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी निराकार ब्रह्मलोक निवासी परम ब्रह्म जहाँपाई कहुच्छी शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति सज्योति भगवान बा दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पाप संध्या दीप नमस्तुभ्यं।
सुभाषिष दिए सबुठ सुभाषिष पाए महीरे परिजे दे फरिस्ता कह कली जुगरे छाड़ी धर्म नरे करती पाप कर्म गुरु जन्मरे भक्ति नाही सान को स्नेह न कर राजे तही से
ब्रह्मा ब्राह्मण रचिले ब्रह्म ज्ञान को वितरिले ब्रह्मा शरीर भगवान कहती भाव बुद्धिमान।